विदिशा जिले के कुरवाए में मुस्लिम समाज के नेतृत्व में सभी धर्म के लोगों ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर CAA और NRC के विरोध में मौन जुलूस निकाला और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस जुलूस में भीम आर्मी के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जुलूस के लिए सभी धर्म के लोग जामा मस्जिद के पास क्लब ग्राउंड में हजारों की तादाद में एकत्रित हुए। यहाँ पर सभी धर्म के नेताओं ने उन्हें संबोधित किया और CAA NRC जैसे काले कानून से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताया। इसके बाद सभी धर्म के लोग एकत्रित होकर मौन जुलूस के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील बोरसे और मौलाना खलील ने लोगों को संबोधित किया। जो युवा इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनकी गिनती उपद्रवियों में की जा रही, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है जो गलत है। इस सरकार में सच को कुचला जा रहा है, पर हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो हम आगे और आंदोलन करेंगे। बोरसे ने जुलूस में मौजूद सभी लोगों को संविधान की रक्षा करने की शपथ भी दिलाई। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। लोगों के साथ शामिल हुए जी, NRC के विरोध में क्या कारण है उसका? इंसानियत की लड़ाई है जी, इंसानों को बांटा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ या उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? हाँ, सभी के साथ नाइंसाफी है, हिंदुओं के साथ भी है और मुस्लिमों के साथ बहुत ज़्यादा है, ऐसा मानना है मेरा। देखिए, मैं इस संदर्भ में पहले आपकी बात का जवाब दे दूँ कि सभी समाजों के लोगों ने हिस्सा लिया। असल में जब देश की आज़ादी की लड़ाई की हम लड़ रहे थे, तब भी सभी समाजों के लोग हमारी आज़ादी की लड़ाई के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आने वाले हजारों साल तक हमारा देश अक्षुण बनकर खड़ा रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मोदी जी की सरकार है, वो झूठ बोलने का स्पेशल ट्रेनिंग देने वाली सरकार है। देश को केवल सत्ता पाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र वो कर रही है। इससे हमारे देश को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कानून से क्या नुकसान है देशवासियों का? इस कानून से तो हर तरह का नुकसान है, देश विखंडित हो जाएगा, भाई भाई से लड़ेगा, हर तरह के इस समस्या से हमारे देश में विखंडता आएगी और हमें तत्काल प्रभाव से इस कानून को वापस लेने के लिए आज हम सबने रैली निकाली। देश के संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ 6 धर्म के लोगों को CAA में शामिल करने की बात करके जो भारत की धरती पर पैदा हुआ मुसलमान उसको इग्नोर करते हैं, तो इनके हर कानून में षड्यंत्र और साजिश की बू आ रही है। राज्यसभा में बहुमत में नहीं थी भाजपा की सरकार, इसके बावजूद भी बहुमत से पारित हुआ, तो क्या जो सेकुलर दल हैं हिंदुस्तान के उनका मूक समर्थन था क्या? देखिए, इसमें राज्यसभा में जो लोग पहुंचे लोग हैं, जिस हम पार्टी को बिलोंग करते हैं उनकी अपनी नीति के आधार पर इसका विरोध तो भरपूर तरीके से किया गया, लेकिन जिस तरीके से रणनीति के तहत राज्यसभा में बिल पास हुआ है ये चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से चिंता होगी करते हुए इसके ऊपर आगे जो है कार्रवाई होगी और इसी के तहत लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और ये बात जो पास हुआ है, लेकिन उसके बाद का जो विरोध हुआ है हम उसकी तरफ अग्रसर होकर के लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।